गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता, दिस इज अमन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लेने जा रहा हूँ MT15। भाई अपनी नई बाइक आने वाली है, तो भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं एक्साइटमेंट आप लोगों को मेरे फेस पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट देखो आंखों में मेरा एक्साइटमेंट दिख रहा होगा पक्का से। एंड अभी मैं पाटुली में आया हूँ दीपक के लेने के लिए। दीपक आज हमारे साथ जाएगा। ये अपनी बाइक लेकर के नहीं जा रहा है, मेरी बाइक पे बैठ करके जाएगा। यहाँ से अगर दो बाइक लेके जाते हैं तो वहाँ जाके तीन बाइक हो जाएगा, तो फिर दो बंदे तीन बाइक कैसे लाएंगे। इसलिए हम लोग एक बाइक पे जा रहे हैं, जाके वहाँ से दो बाइक रिटर्न में लेकर के आएंगे। ओके, इसको नेकेट बाइक वगैरह पसंद है इसलिए NS 200 लिया था। तो MT15 कैसा लगता है तेरे को? MT15 भी अच्छा बाइक है, पर पीछे का सीट बहुत छोटा है। तो लड़का लोग पतले होते हैं ना, तो हम लोग बैठ के मैनेज कर लेंगे। अब लड़के लोग हम लोग इसे एक्सीलरेटर देंगे, फर्स्ट गियर पे देंगे, बाहर निकल गई। अब इसे हम खुद को खोजेंगे कि अपना बाइक चलाएंगे। ऐसे भी भाई अभी मेरे पास MT15 आ जाएगी तो मैं ये बाइक इसी को चलाने दूंगा। अभी मतलब मेरे व्लॉग में यही वाली बाइक चलाएगा। भाई तेरे को ये बाइक कुछ दिन चलाने मिलेगा तो मजा आएगा। तो हां भाई, बहुत लड़की बनाएंगे। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, बैठ जा भाई, लेट्स गो गाइस। 200 200 200। सामने मेरी एक सिल्वर वाली R15M जा रही है। देखो क्या टेल टाइडी लगा रखा है बंदे ने, मतलब नंबर प्लेट ऐसे करके सोया हुआ है। शायद से इसको मैग्नेटिक टेल टाइडी बोलते हैं। भाई MT15 अभी जिस रेंज में आ रही है ना, लाइक 1,98,000 तक भी पड़ जा रही है ऑन रोड MT15 version 2 वाली मॉडल। तो इस प्राइस रेंज में भाई दूसरी भी बहुत सारी बाइक्स है जो कि मिल जाती है। बट भाई क्या है ना कि यमहा के प्यार में मैं पागल हो गया हूँ, प्यार में अंधा हो गया। और बोलते हैं ना कि प्यार में सब कुछ जायज होता है, उसी तरीके से भाई मेरे को ना यमहा चला करके इतना ज्यादा यमहा से प्यार मोहब्बत हो गया ना कि यमहा छोड़ने का अब दिल नहीं कर रहा है। और यमहा R2 या R3 का अभी तो कोई सीन नहीं है लॉन्च होने का, इसीलिए जो लॉन्च हो रखी है नई वाली बाइक वही ले लेते हैं। कहते हैं ना यमहा का मैं फैन बॉय बन गया हूं, इसीलिए अब जो भी मेरी बाइक होगी ना, इसके बाद वाली, उसके बाद वाली या उसके बाद वाली, सारी यमहा ही होगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। अब भाई MT15 वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, इतना ज्यादा प्राइस देना सही होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें चलाने के बाद पता करके आप लोगों को बताएंगे। ऐसा भी हो सकता है यार मैं MT15 लेकर के गलती कर रहा हूँ, बट क्या करें यार, मन है तो ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। भाई शोरूम के जितना करीब पहुंच रहा हूँ ना, एक्साइटमेंट उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, पता नहीं डर किस बात का लग रहा है, मतलब थोड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। मतलब थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, थोड़ा खुशी वाला, मतलब पता नहीं यार इस फीलिंग को क्या बोलते हैं, बट अच्छा लग रहा है यार। फाइनली शोरूम में पहुंच गए हैं। और एक MT15 खड़ी थी सिल्वर कलर वाली जो कि सेल हो चुकी है, अभी सिर्फ यही वाली मॉडल बची है जो मैं लेकर के निकलूंगा। यहाँ पे भी एक व्हाइट कलर वाली R15M रखी हुई थी, वो भी सेल हो चुकी है। एंड ये वाली बाइक भी शायद आज और कल में चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे देखो बुक करके मार्क किया हुआ है। भाई मैं जो बाइक लेने वाला हूँ वो तो इधर रखी हुई है, बट भाई इस शोरूम का जो मेन अट्रैक्शन है वो ये वाली बाइक है। गाइस डिलीवरी में देखो ये हमारे दो दोस्त और भी आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं। ये अभिजीत है और ये मोहना है। एक भाई वही वाला बाइक तो है, ये वाला। कैसा है, कैसा लग रहा है? मस्त पूरा मॉन्स्टर ही है, इसीलिए तो बोले। वो सबको पता है वो आँख है मुँह है, तुमको अलग से बताने का कोई जरूरत नहीं है। अब ये आ गई, अब मतलब बिल्कुल ऐसा ऐसा बात बोलेगी ना, बहुत हंसी आएगा। जब से ये नहीं थी बहुत शांति। तो गाइस चलो अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो भी काम हुआ है वो सारे कुछ निपटाते हैं। और इस बाइक को डिलीवरी लेने में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट डिलीवरी लेने के बाद आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे ये R15 V4 की डिलीवरी होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तो गाइस फाइनली बाइक बाहर जाकर के पहुंच चुकी है, शोरूम के बाहर बाइक निकल चुकी है। अभी जाएंगे बाइक लेकर के बाहर निकलेंगे। ये अपनी बाइक शोरूम के बाहर जाके लग चुकी है, बस अब बाइक पे बैठना और लेकर के निकल जाना है। देते यार देखो शोरूम से निकल करके बाइक रोड पे कुछ ऐसी लग रही है। आपका कुछ बताओ भाई बाइक के बारे में। और इसका जो फीचर है, इतना कम दम में इतना सारा फीचर नहीं आता है गाड़ी में। कम दाम भैया, दो लाख कम तो नहीं है। अगर देखोगे तो इस प्राइस में इतना सारा फीचर कोई भी गाड़ी में नहीं देता। आपका डुअल डिजिटल फ्रंट में ABS ब्रेक है, विद आपका अपसन डाउन फॉग है, यामा एक्स कनेक्टर ऐड किया हुआ है गाड़ी के अंदर, मतलब ब्लूटूथ वाली ना, ब्लूटूथ वाला लिक्विड कूल इंजन है, 6 गियर बॉक्स ट्रांसमिशन सिस्टम है इसमें। 146-148 तक आएगा, 148 तक टॉप स्पीड पकड़ लेगी। अच्छा तो अपनी जो V4 है उसी के तरह पावर मिलेगी या थोड़ा कम मिलेगा? सेम पावर सब कुछ मिलेगा। इसमें थोड़ा क्या होता है ना, ये आपका V4 जो है ये एरोडायनामिक शेप में बना हुआ है, इसमें थोड़ा एयर
हीट करता है, उसमें थोड़ा स्पीड कम है। जब तक बाइक को ऑन रोड नहीं चलाते हैं कुछ बोल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो चलो अब बाइक को लेकर के इधर से निकलेंगे। यहाँ बाइक की डिलीवरी हुई नहीं हुई, यहाँ पे देखो ये लोग पार्टी शुरू कर दिया, फुचका खा रहा है दोनों मिल करके। ये है सबसे बड़ा फुक्कर, दिखा के दिखा के। हेलो, इधर 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 इधर, हेलो। हाँ ओके, मोटकी। तो गाइस गोप्रो में आ चुके हैं, हेलमेट पहन चुके हैं। ये देखो भाई गोप्रो में बाइक थोड़ी और भी अच्छी लग रही है। और ये रही बाइक की चाबी, खुशियों की चाबी, ये डाल दिए इसमें। चलो भाई बाइक को फर्स्ट स्टार्ट देते हैं। ओ भाई क्या स्मूथ साउंड है यार, क्या स्मूथ साउंड है भाई, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है अपने को, बहुत ज़्यादा। और ये इसको लेकर के रोड पे उतरते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो आंटी जी, लेट्स गो। दीपक भाई कैसा लग रहा है भाई, यू टर्न लेना वहाँ से, सूट कर रहा है मेरे ऊपर। हाँ तो चलो यार, थोड़ा सा फाका रास्ता है, थोड़ा सा बाइक को खींच लेते हैं। ये देखो राइट साइड में तनुष्का ऑटो, यहीं से बाइक को लिया है यार। ओ भाई 70 चली गई यार, 70 चली गई, मतलब इतना स्मूथ होता है ना नई बाइक, पता ही नहीं चलता है कितना स्पीड पकड़ ले रहा है भाई। सिटी में चलाने के लिए एक नंबर है, मतलब कोई भी गैप से बाइक इजीली निकल जाएगी। नहीं नहीं इतने निकल, मेरा नया गाड़ी भाई, आराम से चलाना अभी कुछ दिन। रिस्क का बात नहीं है, इंजन पे असर पड़ेगा अभी स्पीड में चलाएंगे तो। ये निकलते ही रेस रेस करने लगा है, ये रेस बस 80 के स्पीड तक करता है, 80 के बाद ये डाउन हो जाता है, 80 के बाद ये बाइक नहीं चलाता, इसको स्पीड से थोड़ा सा डर लगता है। लाइफ में पहली बार गाइस मैं नेकेड बाइक ट्राई कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने कभी नेकेड बाइक ट्राई नहीं किया, मतलब मेरे को उतना पसंद नहीं आता था नेकेड बाइक। पहली वाली बाइक देखो R15 V4 है, जो कि कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, क्योंकि इसका वाइजर मेरे को पसंद है, इसका जो फेयरिंग वगैरह है ना, मतलब बहुत ही मस्त लगती है मेरे को। गाइस इसमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS है, पीछे वाले ब्रेक में ABS नहीं है, सिर्फ सामने वाले ब्रेक में ABS है। मिरर का प्लेसिंग मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बार बार ठीक कर रहा हूँ बट ये ठीक नहीं हो रहा है। ओ एक्चुअली ये वाला आगे पीछे, ये देखो ये वाला मिरर थोड़ा आगे करके लगा हुआ है और ये वाला मिरर हैंडल बार के पीछे लगा हुआ है, दैट्स वाई दोनों का व्यू मेरे को अलग अलग मिल रहा है। ओहो ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। अरे यार इसमें हॉर्न का प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा ऊपर है यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिटरली मेरे को हाथ हटा करके यहाँ पे हॉर्न प्रेस करना पड़ रहा है। बट ये अपर एंड डिपर का ठीक है। तो यार हम लड़कों के लाइफ में ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है, बहुत ही स्पेशल दिन होता है ये वाली, जब हम एक न्यू बाइक की डिलीवरी लेते हैं शोरूम से भाई। ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये फीलिंग्स का कोई कंपैरिजन नहीं है यार। एंड गाइस ये जो मैंने बाइक से डिलीवरी ली है तनुष्का ऑटो से, ये वाली डिलीवरी प्रॉपर डिलीवरी नहीं है, मतलब इस वाली डिलीवरी में कोई एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, वो ट्विस्ट मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट में रख रहा हूँ, यानी सस्पेंस थोड़ा सा बनने देते हैं, उसके बाद वो वाला ट्विस्ट का खुलासा करेंगे। यहाँ पे एक एग्जॉस्ट लगा हुआ जिक्सर है, नेकेड जिक्सर। पब्लिक यार मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा हॉर्न कहाँ टिपना है, इंडिकेटर कहाँ देना है। हॉर्न टिपने के चक्कर में मैं इंडिकेटर दे दे रहा हूँ, अब मैं बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप बंद हो गए इंडिकेटर, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके साथ हैबिचुएट होने में, बट बहुत जल्दी हैबिचुएट हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में मैं इसको 200-300 किलोमीटर तो चला लेने वाला। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यार बाइक लेकर के ना घर में सजा करके रख देते कि हाँ बाइक है, ये है, वो है, बट मेरा ऐसा नहीं है यार। मैंने बाइक ली है तो खूब मौज करेंगे चला करके, खूब इंप्रेशन जमाएंगे रोड्स पे। वो निकल गया ये बंदा, ये सामने हॉर्नेट वाला भी शायद रेस कर रहा है हमारे साथ। अभी बस शोरूम से लेकर के ही आ रहे हैं। हाँ मेरा R15 का, हाँ मेरा तो V4 है। अच्छा अच्छा आप जानते हो, ओह अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा लगा मिल करके। मेरा R15 पीछे मेरा दोस्त चला रहा है, तो मैं वेट कर लेता हूँ फ्रेंड का आपके साथ, स्पीड स्पीड में मेरा फ्रेंड पीछे रह गया। ठीक है चलो टाटा 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 टाटा। शाम का 6:15 हो रहा है, अभी हम लोग थोड़ा सा इधर पे कुछ खाने पीने के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगा, एक्चुअली भूख हमें नहीं लगा, भूख इसको लगा है, हमेशा इसको भूख लग जाता है, हर बात पे इसको भूख लग जाता है, हमको भूख लगा ही नहीं है। सो गाइस यहाँ पे लच्छा पराठा है, चिकन भरता आया, वो वाली क्या है, क्या लियो तुम, मिक्स राइस है, चलो बढ़िया है, थोड़ा सा हम भी खाएंगे, ठीक है, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने। और ये इतना खा ली ना, इसको हजम करने के लिए ये वाला पीना था, बट मैं कैमरा ऑन कर लिया तो ये छोड़ दी। पी लो कुछ नहीं होगा,
अरे खाई तो रही हो, चोरी थोड़ी कर रही हो, खा लो खा लो। अरे बंद कर दे रहे कैमरा, लो बंद। अरे ऐसे सब इधर पे खाना पीना हो गया, सबका पेट भर गया, सबको बहुत ज्यादा जोर से भूख लगा हुआ था। और ये देखो अब फ्रस्ट्रेट होकर के पी रही है। हाँ पता है तुम पूरा ही पियोगे, सबको पता है ये पूरा तुम ही खत्म करोगे। हाँ तुम ही, ये तो हम लोग कुछ नहीं खाए, ये तीनों प्लेट का खाना ये खाइए। तो गाइस अभी का टाइम अपडेट 9:15 हो रहा है और अभी मैं रॉनी के पास आया हूँ थोड़ा मिलने मिलने के लिए। इसको बाइक वाइक दिखाएंगे, इसका रिएक्शन देखते हैं क्या रहता है। गाइस मैंने बाइक को यहाँ पे पार्क किया और ये लोग को अभी लेके जा रहे हैं। ये लोग बाइक देखेगा, इन लोगों का रिएक्शन कैप्चर करेंगे क्या रिएक्शन रहता है। ओ वाह भाई, रियल रिएक्शन देना है, नकली वाला नहीं। ले चाबी ले, उसका पेट में उसका चाबी लगाना है। बाइक साइज में बहुत छोटा है, साइज में तो छोटा है भाई, देख के लग रहा है 2 लाख का बाइक है, तो वही तो बात है। ये ऑफ रोडिंग शुरू कर दिया आराम से भाई, अभी जा रहा है थोड़ा सा टेस्ट राइड लेने के लिए। ये अपना अंधा आ रहा है, ये एक्चुअली अंधा है, मतलब इसको हम लोग अंधा बोलते हैं, अंधा है नहीं। कैसा लगा भाई? 88 चला गया इतना छोटा रास्ता में, बहुत छोटा है। लेकिन मेरे को लगता है टैंकी थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था और पीछे का सीट थोड़ा सा लंबा करना चाहिए था, पीछे का सीट बहुत ज्यादा छोटा है। ऐसे मेरे को तो कलर भाई अच्छा लग रहा है, तेरे को कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लगा? छपड़ी है हम छपड़ी नहीं है भाई, कलर ये स्टैंडर्ड कलर है, नया कलर। अब अपना विष्णु भाई चलाने जा रहा है, टेस्ट राइड लेने जा रहा है। इसके हाइट के साथ ये वाला सूट कर जा रहा है। मेरा और रोनी का क्या ना, थोड़ा हाइट ज्यादा है, 6 फीट का है, तो थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर छोटा छोटा लगता है गाड़ी, हम लोग बड़े लगते हैं। आराम से इस वीडियो को करेंगे यहीं पे। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है गाइस। अब भाई तेरी मेरा बाइक देगा, कैसा पसंद आया MT50? हाँ, बाइक ठीक था। और ये दोनों तो देख लिया, दोनों चला के भी देगा, ते चला के नहीं देगा नेक्स्ट डे चला लेना, ठीक है? तो गाइस अगर जो वीडियो देगा ना, हाँ सब उठा लेना, स्टंट कर लेना, ठीक है? वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बहुत ज्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर देना दोस्तों में, ठीक है? चलो टाटा बाय बाय।